नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। आईपीएल 2022 की सीरीज लगातार सजने लगी है। ऐसे में सभी टीमें अपने खिलाड़ियों को चूज और पिक करने में लगी हुई हैं। दो नई फ्रेंचाइजी जो हैं वो अपने तीन तीन डायरेक्ट पिक खिलाड़ियों को चूज करने में जुटी हुई हैं। इसके अलावा खबर ये आई है कि अब एक बड़ा खिलाड़ी जो कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर में से एक है, वो आईपीएल 2022 में खेलता हुआ दिखाई नहीं देगा। उसने अपना नाम वापस लेने के लिए विचार किया है और 2022 के सत्र में वो नहीं दिखाई दे सकता है। आपको बता दें कि इस खिलाड़ी का नाम है बेन स्टोक्स, और जो कि इंग्लैंड के शानदार ऑलराउंडर हैं और दुनिया में उन्होंने अपने हरफनमौला खेल से सभी का दिल जीता है। और आईपीएल में भी उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के लिए बेहद शानदार प्रदर्शन किया है और अच्छे खासे मैचेस अपनी टीम को उन्होंने जिताए हैं। अब ऐसे में अगर आईपीएल 2022 में वो नहीं दिखेंगे तो निश्चित तौर पर उनकी कमी सभी प्रशंसकों को खलेगी, क्योंकि जिस तरीके के वो प्लेयर हैं वो बेहद ही शानदार और काबिल तारीफ खिलाड़ी कहे जा सकते हैं, और उनकी बल्लेबाजी देखकर जरूर आईपीएल में सभी को रोमांच आता है। खबरों के अनुसार बताएं तो स्टोक्स गर्मियों के सत्र में इंग्लैंड की घरेलू श्रृंखलाओं पर अपना ध्यान लगाना चाहते हैं। एसिज में स्टोक्स का प्रदर्शन निराशजनक रहा, जहां उन्होंने सिर्फ 236 रन बनाए और 4 विकेट लिया। इंग्लैंड को इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के हाथों 0-4 की करारी शिकस्त झेलनी पड़ी, इसीलिए वो घरेलू श्रृंखला खेलना चाहते हैं। तो आपको अब समझ आ गया होगा कि बेन स्टोक्स क्यों आईपीएल 2022 से अपना नाम वापस ले रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से एशेज में इंग्लैंड की टीम ने प्रदर्शन किया है वो बेहद ही निराशजनक रहा है। इंग्लैंड के कई पूर्व दिग्गजों ने कहा है कि आईपीएल और टी20 की वजह से इंग्लैंड की टेस्ट टीम का ये हाल हो रहा है। शायद इसीलिए बेन स्टोक्स अब पूरी तरीके से अपने देश के क्रिकेट पर फोकस करना चाहते हैं और इसीलिए आईपीएल 2022 से वो दूरी बनाने का विचार कर चुके हैं। फिलहाल इसका जल्दी ही ऑफिशियल कन्फर्मेशन हो जाएगा कि बेन स्टोक्स खेलेंगे या नहीं।